अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गल्फ जॉब सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूरोप जॉब के बारे में। दोस्तों, यूरोप जो है एक कंटिनेंट है, आप लोगों को पता होगा। जिस तरह से एशिया में कंटिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सभी जो है वो एशिया में आ जाता है, उसी तरह से यूरोप एक कंटिनेंट है जिसमें लगभग 36 मुल्क उसमें शामिल है। 36 के आसपास हो सकता है दोस्तों, आगे पीछे भी हो सकती है, मुझसे गलती हो रही बोलने में, तो लगभग मेरे अंदाज से 36 मुल्क उसमें आता है। तो अभी यूरोप कंट्री जाने के लिए, जैसे कि यूरोप कंट्री में दोस्तों बहुत सारे कंट्री हैं, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या फिर स्वीडन होगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेनमार्क हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सभी कंट्री में आप लोग अभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्री वीज़ा है, फ्री टिकट है, और मैं आपको बता दूं साथियों, इन सभी में आपको, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, मेसन हो, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी टाइप का वर्कर हो, ये सभी के रिलेटेड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर दोगे तो आगे चल के आप पक्का फंसोगे या फिर आगे चल के आप पछताओगे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत सारे जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि आप लोग यूरोप कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 3 लाख सैलरी होगी, फ्री वीज़ा होगा, आपका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम होगा वो 15 दिन से लेकर 20 दिन तक होगा, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, डेनमार्क जा सकते हैं, आयरलैंड, आइसलैंड और जो भी कंट्री है यूरोप में आती, कुछ कंट्रियों का नाम सेलेक्टेड किया होता है और उस सभी कंट्री में आप लोग जा सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, आप लोग पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप जा सकते हैं, ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस भी आपका नहीं लगेगा, 10,000, 20,000, 50,000, इस तरह से दोस्तों आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब जहाँ पे भी दोस्तों कंसल्टेंसी का जो लोग काम करते हैं वो लोग आपको ऐड देते रहते हैं। अब साथियों, मैं आपको बता दूं इसमें कितनी सच्चाई है। तो एक बात तो मैं दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी आप कोई यूरोप कंट्री जाते हो तो आप ये सोच रहे हो कि आप मिस्त्री हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप मेसन हो, कारपेंटर हो, इस तरह का काम सीख के यदि कोई कंसल्टेंसी वाला आपको कह रहा है कि आपको जॉब वो दे देगा, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो उसके बावजूद भी कोई कंसल्टेंसी बोल रहा है कि आपको वो जॉब दे देगा, तो ये भी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप अभी यूरोप कंट्री जाते हो तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, और इंडिया में यदि आप हो या पाकिस्तान के, तो जाहिर सी बात है भाई, जो लोग मिस्त्री का काम करते हैं, कारपेंटर काम करते हैं, उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। अब ये सोचिए कि बिना इंग्लिश आपको जाने वहाँ पे आप बात कैसे करोगे किसी से भी, तो जाहिर सी बात है आपको लैंग्वेज इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसका मतलब साफ ये हो जाता है कि बिना आप पढ़े लिखे यूरोप कंट्री में आपको जॉब नहीं मिलेगा। जो भी इस तरह का एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल पर चला रहा हो या किसी कहीं भी प्लेटफॉर्म में चला रहा हो, ये आपके साथ बिल्कुल फ्रॉड करेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, यदि आप कोई जॉब में जाना चाहते हो कोई भी यूरोप कंट्री में, तो आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास आईटी डिग्री है तो आप जा पाओगे, कोई साइंटिक्स हो तो जा पाओगे, कहीं के मैनेजिंग की हो तो आप जा पाओगे, हेल्थ केयर में आप जा सकते हो, डॉक्टर में जा सकते हो, इंजीनियर में जा सकते हो, सीए में जा सकते हो, मैनेजमेंटल में जा सकते हो, होटल लाइन में डाल सकते हो, या फिर कोई आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप जा सकते हो। आप यदि ये सोच रहे हो कि बिना ये सब कोई डिग्री लिए मैं जा सकता हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपका कंसल्टेंसी जो है आपके साथ फ्रॉड करेगा 110%। फिर बाद में आप दोस्तों ब्लेम आपके साथ ये किया जाएगा, आपसे कुछ पैसे ले लिए जाएंगे, 10,000, 20,000, और आपसे अचानक इंटरव्यू करा दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू में आपको छाड़ दिया जाएगा, उसके पास रास्ता मिल जाएगा कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए पैसा आपका डूब गया, फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई, मैं हमेशा आपको कहता हूं, यूरोप कंट्री के नाम से फ्रॉड अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ये सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, इन सभी बातों को ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेगी। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।